नहीं तो अभी ब्रश लाने जाना पड़ेगा क्योंकि कल मैं ना हाथ देता तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मेरा एडिटिंग हो गया है, जो आप लोग देख रहे होंगे, देख के हो गया रहेगा, तो वो हो गया है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अभी, फिर यूट्यूब में छोड़ूंगा। तो अभी शायद से ब्रश लाने जाना पड़ेगा। मम्मी ने ब्रश ही नहीं लाया बॉम्बे से। बोलो 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 हैं बोलो ना कि फालतू फालतू बोलो बोलो कि बोल रहे বলো না ছাড় বাবু তুমি কাট করতে হচ্ছে দিদি আমি কাট করব না দোষ দিচ্ছিস আমি ব্রাশ আনিনি মম্মি নে হি ব্রাশ নহি লায়া আর মম্মি বল রে মেরে নাম পে ইউ বল রে হ্যাঁ খুদ ব্রাশ খুদ গলতি আর ফির দিদি বলি না যে চোরি উপর সে সীমা চোরি তুই বলি না যে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ টক টু উইথ মি ইন হিন্দি প্যার হিন্দি বাঙালি বাংলাতে বলবো কার কি যায় चोरी ऊपर से सीधा दोरी तो ब्रश नहीं लाया तो अभी ब्रश लाने जाना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने हाथ देता के माचा था। आमी 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 है ना आमी बोली आमी पूरो रियल। गाइस देखो हम ब्रश लाने जा रहे हैं। 3 दिन हो गए आके बट इसने अब तक ब्रश नहीं खरीदा है, हाथ से काम चला रहा है। शीशी क्या यूट्यूबर बनेगा हाँ जो ब्रश नहीं करता। सीरियसली अभी हम लोग नींद से उठ के स्कूटी करके ब्रश लेने जा रहे हैं। देखा है आपने ऐसे बच्चे लोग को वेरी संस्कारी। चलना भी नहीं है सुबह उठ के, हमको स्कूटी लेना है पहले। और तूने भी ब्रश नहीं करा बोल रही इसलिए आई है मेरे पास। अरे मेरे पास है लेकिन वो बहुत गंदा उसका ये हो गया है ब्रश का, तो इसके लिए मैंने बोला कि एक नया ले ही लेती हूँ जब ये जा रहा है। गाइस देखो हमारा ब्रश लेके हो गया, हम अभी घर पे जा रहे हैं। कलरिंग ब्रश दिया है हमने। नानी के पास जा रहा हूँ, आप लोग का उधर का आप लोग को दिखाऊंगा उधर कैसा क्या है, कितना बड़ा घर है नहीं है दिखाऊंगा, उधर का थोड़ा एरिया भी दिखाऊंगा। अभी जा ही रहा हूँ मैं। देखो वो गाड़ी आ रहा है पीछे से। तो अभी ये देखो मेरे नानी के घर पे जाने का रास्ता ऐसा जंगल के बीच में से, और हम पहुँचने वाले अभी, जस्ट आपको दिखाता हूँ रास्ते ही जाना पड़ेगा। और पप्पा ने अगर ये वीडियो देख लिया ना ऐसा स्कूटी चलाते चलाते फोन में ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मार देगा मेरे को पप्पा, इसलिए एकदम आराम आराम से चल रहा हूँ। दोनों पैर नीचे है मेरा, आपको दिखाना भी है, फिर वो उधर का ग्राउंड भी दिखाऊंगा आपको। और आज शायद से शाम को मंदिर जाएंगे, आप लोग को दिखाऊंगा इधर कैसा कैसे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है इधर। तो देखो इधर इतना गर्मी था, रुको ये बराबर दिखाता हूँ आपको, इतना गर्मी था ये पूरा ऊपर तक भर के आने का रास्ते पे आने का, और देखो अभी पूरा ख़त्म हो गया है, इतना गर्मी था पूरा पानी सूख गया है। सिर्फ इसका ही नहीं पूरे एरिया का यही हाल है इधर कोलकाता में, इधर भी था, इधर रास्ते रास्ते में पॉन्ड मिल रहे आपको। तो अभी हम पहुंच गए मेरे नानी के घर पे, ये देखो ऐसा है, ये मेरी मम्मी की मम्मी है, इतना बड़ा घर है ये एंट्री,
और ये पूरा सब पेड़ ही पेड़ है और इधर सब फल होता है, फ्लावर्स भी होता है अच्छे अच्छे देखो। और हम लोग के पास पेट भी है ना चिक्कू, देखो दिखाऊंगा देखो मेरे नाना जी काम कर रहे खोलेगा। देखो मेरी नानी भी है, पता नहीं किधर है। दीदा ऊपर पूजा कर रही है मेरी नानी, बताओ ये देखो, हाय बोलो हाय। हाय बाबू। देखो ये मंदिर है इधर का, और भी दिखाता हूँ रूम। इधर एक रूम है, ये वॉशरूम है, देखो क्या सीनरी है। इधर एक रूम है, वो गैलरी है, देखो देखो। और ऊपर टेरिस है सीधा, नीचे दो रूम है। और हाँ आप लोग को मेरे पेट से मिलाता हूँ, वो रैबिट है, रैबिट पता नहीं निकले क्या, अभी अंदर छुप के बैठे, वो छुप के ही बैठते। ए चीकू चीकू, ये उसका ये प्राइवेट रूम है अपना, वो इधर अपना मस्ती करते रहता है। इधर डर लगता है कभी क्या रहेगा अंदर, डर लगता है इसलिए मैं अंदर नहीं होता। अभी वो जब निकलेगा निकलेगा। और क्या, अभी मैं थोड़ा इधर टाइम पास करता हूँ, फिर नहीं मैं अभी आप लोग को ग्राउंड दिखा क्या, तो थोड़ा ऐसा सो मेहनती मेहनती गाइस, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे दादू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ इधर का, जॉय चोंडी तोला, और ये एरिया का नाम जॉय चोंडी तोला है, यूनिक सा नाम है। और मेरे पापा के मम्मी जो रहते हैं उधर, वो उधर का दिखाया नहीं ना अभी भी थोड़ा, और वो एरिया का नाम है बेनेज चौल। इधर के सब ऐसे ऐसे नाम है ना क्या बोलूँ। ठीक है मैं वो ग्राउंड दिखा क्या, ग्राउंड देखते हैं अब हम लोग। इधर का ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है, और इधर क्रिकेट प्रैक्टिस हो रहा है। इधर का ऐसा एकदम शांति शांति लगता है, पता नहीं क्यों एकदम ग्रीनरी मज़ा आता है इधर। सब लोग देख रहे आ रहे जो भी है क्या कर रहे हैं। शाम को बहुत जन खेलते फिर। देखो मेरी नानी ने इसको पकड़ के लाया, जिगी 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 जिगी, एकदम सॉफ्ट है ये, मस्त है। साक्षी तो इसके साथ खेलने के लिए पागल रहती है एकदम, पर अभी वो सो रही है, इसको छोड़ दे ये घूमेगा। ये फूल अपने आज़ादी में रहता है, इसके लिए पूरा एरिया है, देखो ये पूरा एरिया में यही घूमता है। इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे और हम लोग, मैं पागल हो जाएगा इसको पकड़ते पकड़ते। किधर किधर से भाग गया या, इसको थोड़ा आराम करने देते, आराम इसको नहीं मेरे को जरूरत है, मैं थक गया। देखो मेरे नानी ने मतलब मेरे दादू ने उधर से निकाला ये नारियल पानी। इधर फुल पेड़ ही पेड़ है, वो देखो वो जैक फ्रूट और आम के पेड़ तो बहुत है, ये सब नारियल के पेड़ है।